हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत और ये प्रिया, आज देखते हैं ये व्यूअर्स को कहाँ पे घुमाने वाली हैं। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, हम लोग आए हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट प्लेस ऑफ शिमला, जाखू टेंपल। तो आज हम जाखू टेंपल को एक्सप्लोर करेंगे। चावल, चाय, कॉफी, ब्रेक पकौड़े, फ्राइड राइस, छोले कुलचे, मैगी। आज है 13 फरवरी सैटरडे, हम लोग हैं मॉल रोड शिमला एंड आज हम लोग जाने वाले हैं जाखू टेंपल। वो देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी पे है ये। कहते हैं कि शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है जाखू टेंपल। सो गाइस, शिमला में एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पीक टाइम होता है, और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर आने का, तो आपको मॉल रोड के आसपास के होटल्स ही बुक करने होंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो हम घूम सकते हैं वो इसके आसपास ही होते हैं। जिसमें से वर्थ गोइंग प्लेस है जाखू टेम्पल, जहाँ पर आज हम लोग आपको घुमाएंगे। फ्रेंड्स, जाखू टेंपल जाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, बट मॉल रोड से जाने के 3 रूट्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ। एक तरीके से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है यहाँ पर, अगर आप वॉक करते हैं तो। ये वॉकिंग का रास्ता है जाखू टेंपल जाने के लिए, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने एज के आदमी कितने टाइम लेके वहाँ पे जा सकते हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को हेल्दी, अपने आप को सुटेबल समझ सकते हैं। जाखू टेंपल की जो चढ़ाई है बहुत ही एडवेंचरस है, ऐसा लगता है जैसे कि हम माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम दूसरा रूट भी देखते हैं। रिज के चर्च के साथ ही टैक्सी के जाने का भी आपको रास्ता मिलेगा, और हम लोग रोपवे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए चलते हैं रोपवे की ओर। सो फ्रेंड्स, हम लोग रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हाउ कैन वी मिस द शिमला व्यू, जिसके लिए शिमला जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से पूरे शिमला का व्यू देख सकते हैं, मॉल रोड का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। वाओ दोस्तों, वन मोर थिंग, हनुमान जी देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, और ये इतनी ऊंचाई पर है और इतनी लंबी मूर्ति है कि शिमला के किसी भी पार्ट से हमें बजरंगबली दिख जाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे आप देख सकते हैं पेड़ों के बीच से निकल रहे हैं बजरंगबली, बिल्कुल लाल रंग में रंगे हुए, तो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। वहीं पर हमें जाना है, हम लोग जाखू रोप वे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें टिकट मिल जाएगी, तो चलिए टिकट पहले ले लेते हैं। यहाँ पर रोप वे का रेट दिया हुआ है, एडल्ट 550 रुपीज, टू वे, वन वे इज 295। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए हम लोग यहाँ पे, लगता है वेट भी करना होगा। हमारा रोपवे कार आ चुका है यहाँ पर, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यहाँ पर इसमें राइड करने के लिए। रोपवे ऊपर की ओर चलने लगा है, वाओ क्या फीलिंग है ये, और ये व्यू देखिए बाहर का, वो शिमला का बिल्कुल टॉप व्यू है ये, और कैसे घर छोटे छोटे दिख रहे हैं।
और ये ऊपर से दूसरे रोपवे कार्स आ रही हैं। वाओ क्या व्यू आ रहा है ये। अरे यार ये तो दूर भी होते जा रहे हैं, अब बड़ी जल्दी चले गए दूर। अरे वाह, अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत मजा आया इस राइड में रियली। रोपवे में हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं और टैक्सी से लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ऊपर पहुंचने में। वॉक करते हुए आते हैं तो ये वाला रास्ता आपको आएगी ऊपर लेकर, और इस साइड से ये टैक्सी का रास्ता आती है ऊपर, और यहाँ से आप सीढ़ियों के थ्रू मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ वहाँ लोग प्रसाद फेंक दे रहे हैं जिससे मंकीज भी आ जाते हैं, इसलिए बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ बंदरों को कुछ भी देना। एंड अपने बैग, गॉगल्स, सब कुछ हमें बचा कर चलना होता है। ओह माय गॉड, सो स्केरी। ये सारा मंदिर के बाहर का दृश्य है और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से भी आता है। यहाँ पर टूरिस्ट सेल्फी भी लेते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। दोस्तों हम लोग जाखू टेंपल पहुँच गए हैं और ये जाखू टेंपल का मेन मंदिर है, तो अभी दर्शन करते हैं हम लोग बजरंग बली के। जाखू टेंपल का एक बहुत ही रोचक कहानी है कि संजीवनी बूटी लाने के टाइम पे जब हनुमान जी जा रहे थे हिमालयन रेंज की ओर, तो वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उतरे थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे याक्ष नाम के ऋषि रहते थे और उनकी कुटिया में वो थोड़ा विश्राम करने के लिए उतरे यहाँ पर। और जब वो उतर रहे थे तो उनकी जो पवन वेग थी इतनी तीव्र थी, इतनी तेज़ थी कि उसके प्रेशर से ये पहाड़ का जो हाइट है ये बिल्कुल आधा रह गया। और ये अभी भी शिमला का जो क्वीन ऑफ हिल्स है शिमला, उसके 7 टॉप हिल्स हैं, उसमें से ये एक जो है ये सबसे टॉप मोस्ट हिल है, सबसे बड़ा हिल है वो। और आप समझ सकते हैं कि उस समय इसकी ऊंचाई इससे डबल थी हनुमान जी के उतरने के पहले। तो ये कहानी है यहाँ की इस मंदिर से जुड़ी हुई, और कालांतर में याक्ष ऋषि के कारण ही इस मंदिर का नाम जाखू पड़ गया। फ्रेंड्स इतनी दूर आने के बाद अगर हमें भूख लग जाती है तो यहाँ कैंटीन भी है और इसके प्राइसेस भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। वाओ, टी, कॉफ़ी, सूप, कोल्ड ड्रिंक, वेज पकौड़ा, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा के लिए सारी सामग्री हमें मिल जाती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, और ये देखिए कितनी प्यारी है, छोटी छोटी सी बजरंग बली की मिल रही है। क्या प्राइस है अंकल इसके? अच्छा 20 रुपीज़। नीचे तो कैरी रिंग भी है। और ये वाली इसकी क्या प्राइस है? 20 रुपीज़। फ्रेंड्स बजरंग बली के दर्शन करने के बाद, कुछ पेट पूजा करने के बाद, कुछ गिफ्ट खरीदने के बाद हम पार्क भी यहाँ पर घूम सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क है, लॉट्स ऑफ सीजनल फ्लावर हमें मिल जाती है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से पार्क थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, अदरवाइज आप गर्मियों में आइए, ये पार्क इतना हरा भरा और कलरफुल देख लगता है कि घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। और देख सकते हैं ये है यहाँ की ज्वेलरी।
तो इन सब ड्रेसेस में हम अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और बहुत अच्छी आती है ये। चाकू टेंपल का यहाँ पर एवरी ट्यूसडे और संडे को भंडारा होता है जहाँ पर हम हिमाचली धाम को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड फ्रेंड्स इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।